दोस्तों, हम इंसानों के जीवन में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करें। फिर भी अगर सपनों के शहर रूपी मिली इस लाइफ में अगर आपको हारने का मन कर रहा है, वो भी सब कुछ छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का जी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यह कहानी आपको सिर्फ हिम्मत ही नहीं देगी बल्कि काफी कुछ सिखाएगी। कभी हार मत मानो। तो बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी अपने साथ एक गधा लिए जंगल से जा रहा होता है। थोड़े दूर चलने के बाद गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। वह गधा काफी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर आने का, लेकिन काफी प्रयास करने के बावजूद भी वह गधा गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। उस गड्ढे के मालिक ने भी काफी अलग अलग उपाय सोचकर गड्ढे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, पर वो असफल रहा। अब वो आदमी शारीरिक रूप से हारने के साथ साथ मानसिक रूप से भी हारने लगता है और ये सोचने लगता है कि अब उसका गधा गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं सकता। फिर वो अपने गधे पर दया भाव रखते हुए ये निर्णय लेता है, इस गधे को क्यों ना मैं इसी गड्ढे में दफन कर दूं ताकि इसे कोई जानवर मारकर न खाने पाए। गड्ढे के मालिक को थोड़ा ही दूर पर मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। वो वहां से मिट्टी लाकर गड्ढे को गड्ढे में ढकने का प्रयास करने लगता है। जैसे जैसे वो मिट्टी गड्ढे के ऊपर डालता, गड्ढा अपने शरीर से मिट्टी को झाड़ते हुए उस मिट्टी के सहारे ऊपर आने लगता है। इस घटना को देख गधा का मालिक खुश होता है और सोचता है कि मैं तो इसे दफन कर रहा था, पर ये तो उसी मिट्टी को आधार बना करके धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अब इसी तरह से वो आदमी बार बार गधे के ऊपर मिट्टी डालता और गधा मिट्टी को झाड़ते हुए ऊपर आने में, यानी कि बाहर निकलने में सफल हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम मनुष्य परेशानी के दौर से गुजर रहे होते हैं तो मन मस्तिष्क में सिर्फ सोचते रहते हैं और प्रयास किए बगैर कई दफा ये मान भी लेते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सोल्व होने वाली नहीं है और यूं ही छोड़ देते हैं। हमें प्रॉब्लम को यूं ही छोड़ना नहीं है बल्कि एक्शन लेना होगा। जब हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो और भी आइडियाज हमें सूझने लगेंगे और काम भी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस गधे की कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।